बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में एरे का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा, कुछ डिसएडवांटेज, मैरिट, डीमेरिट, डीमेरिट पढ़े, राइट। इनिशियलाइजेशन पढ़ी थी, इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, कुछ हमने उसका साइंटिक्स देखा, प्रोग्राम्स देखे, हम कैसे उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़े थे, आई होप आपको उनके आंसर्स मिल चुके होंगे। क्या था, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा व्हाई वी नीड एरे इन सी प्रोग्रामिंग। तो सिंपल सा उसका यही लॉजिक था, यही बात थी कि अगर 100 वेरिएबल्स हैं या 1000 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और हमें कोई एवरेज लेना है, ठीक है, हमने मार्क्स का एवरेज लेना है, तो हम क्या 1000 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे? नो, ये राइट अप्रोच नहीं है। उसके लिए क्या था, हमने कहा नीचे कोई कंटेनर होना चाहिए, तो उस कंटेनर को हम एरे का नाम दे रहे हैं कि लेट्स से वो कह रहा है एरे 0 में ये सेव है, वहाँ पे ये सेव है, टू पे ये सेव है, थ्री पे ये। तो दैट मीन्स कि हम 1000 वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर रहे, एक किस्म का कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर हम वैल्यू सेव कर रहे हैं, आइदर इट्स 1000, आइदर इट इज लैक, वट एवर। सो देर वॉज अ क्वेश्चन दैट विच सोल्यूशन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू। देर वॉज सम साइंटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एरे, एडवांटेजेस ऑफ एरे, डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ सी एरे एंड एग्जाम्पल्स। तो हम यहाँ तक ऑलमोस्ट अपने दो लेक्चर्स कर चुके हैं, हम दो एग्जाम्पल्स भी देख चुके हैं। हम एक और छोटी सी डायनेमिक सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्टली मैं जंप कर देती हूँ स्पेसिफिक पोर्शन पे। तो Here it is. अब ये प्रोग्राम क्या है, ये एक डायनेमिक सा प्रोग्राम है जो कि इनिशियली क्या कर रहा है, नंबर 4, नंबर, ठीक है। दिस नंबर, दिस इंटीजर इज डेटा टाइप, कि ये इंटीजर क्या है, डेटा मतलब जो डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप के वैल्यूज अपने अंदर स्टोर करेगा। नंबर इज एरे नेम, एरे, एरे का नाम है, ठीक है, एरे नेम। ये 4 क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। तो दैट मीन्स 0 पोजीशन पे कोई वैल्यू है, 1 पोजीशन पे कोई वैल्यू है, 2 पे है और 3 पे है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपने 4 स्पेस रिजर्व कर ली है मार्क्स के लिए, राइट। आपने क्या किया है, 4 स्पेस रिजर्व कर दी है मार्क्स के लिए, यूजिंग विच स्टेटमेंट, यूजिंग दिस स्टेटमेंट। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, हम कह देते थे इंटीजर x इक्वल टू दिस वैल्यू, अगर नहीं भी दे रहे इंटीजर x, लेट से जैसे इंटीजर x हम कहते थे, तो हमने अपनी मेमोरी के अंदर x नाम का एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर कोई भी वैल्यू हम इन फ्यूचर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लाइन नंबर 6 में, अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर 6 हमने एरे डिक्लेयर कर दिया है हैविंग लेंथ 4। एस जैसे मैंने आपको कहा, एरे जो है 0 से स्टार्ट होगा, लाइक उसकी जो एड्रेसिंग है 0, 1, 2, 3, दैट मीन्स 4 वैल्यूज ही अपने अंदर स्टोर करेगा। इट कैन बी 100, इट कैन बी 200, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। तो क्या है, आपने कहा फॉर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन 4, एक्स प्लस प्लस। ये लूप जैसे ही मैं देखती हूँ तो मेरे माइंड में आ जाता है कि ओके, एक्स पहले 0 होगा, फिर x 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, जैसे ही 4 होगा, राइट। इसके मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है ना, जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट होगा, तो 4 इज लेस देन 4। तो ये स्पेसिफिकली इस केस में आके ये फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। सो दैट मीन्स कि जब हम इसको चलाएंगे, इस लूप को, तो इट लुक समथिंग लाइक दिस। मतलब एक्स इक्वल टू 0, मतलब एरे की जैसे यहाँ पे एरे का नाम आपने नम रखा हुआ है, मैं नम कह देती हूँ, नम, नम 0 पे, नम ऑफ 0 पे क्या होनी चाहिए, कोई यूजर वैल्यू एंटर करेगा, लेट्स से 5 कर रहा है। हम लाइन वाइज देख लेते हैं, जैसे ही मतलब आइट्रेशन एक्स इक्वल टू 1 हुआ, मतलब एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है, 0 वैल्यू है, तो 0 इज लेस देन 4, यस कंडीशन इज ट्रू, तो वो 4 की इनर बॉडी में आ जाएगा।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू फॉर परसेंट डी, दैट व्हाट इज दिस, दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये आप लिखो और फिर आप नई लाइन पे चले जाओ। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या किसी के माइंड में क्वेश्चन आया है, हमने एक्स क्यों नहीं लिखा? ठीक है, एक्स क्यों नहीं लिखा? लाइक ये कुछ ये बात है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स लिख दूँ तो जीरो तो कोई लोकेशन है नहीं ना, मतलब इधर तो जीरो आना चाहिए क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, अगर मैं सिर्फ एक्स लिखूँ प्लस वन ना लिखूँ तो एंटर वैल्यू, ठीक है, और आप जो है उसको जीरो कह रहे हो क्या? नो, इसलिए हमने लिखा है कि प्लस वन भी कर दें। तो एक्स प्लस वन जब होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रिंट होगा, एंटर नंबर वन, लाइक पहला नंबर जो है और हम जो एंटर जो भी करेंगे, तो ये इस तरह ये ऐसे हो जाएगा। नम एक्स में क्या है, जीरो, मतलब एक्स ऑफ जीरो में, मतलब ये एरे है, यहाँ कोई यूजर अपनी वैल्यू इनपुट करेगा। फिर उसके बाद एक्स इंक्रीमेंट होके वन हो चुका है, राइट? अब जीरो नहीं रहा, वन हो चुका है। फिर उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ वन में भी कोई वैल्यू यूजर इनपुट करेगा इस लाइन में, जैसे हम वेरिएबल एंटर कराते थे, ठीक है, वैसे ही हम एंटर करा रहे हैं लूप के थ्रू। तो ये कुछ इस तरह की बात हो रही है कि नंबर जो एरे का नाम है, जीरो की लोकेशन पे कुछ पड़ा होगा, वन की लोकेशन पे कुछ पड़ा होगा, टू की लोकेशन पे कुछ पड़ा होगा, क्योंकि लूप बार बार आइटरेट होगा ना रिपीटेटिव टास्क के लिए, थ्री की लोकेशन पे पड़ा होगा। अब चार ही वैल्यू थी ना, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, जब चौथी वैल्यू आएगी मतलब एक्स की वैल्यू चार हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये चार वैल्यूज इनपुट लेगा जो यूजर इनपुट करेगा, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10, 20, 30, 40, जो भी यूजर इनपुट कर रहा है, ठीक है। तो वो नम ऑफ जीरो में, लेट्स से मैं कहती हूँ मैंने 10 एंटर किया है, नम ऑफ वन की जब आ रही आई है, क्योंकि यहाँ पे नम ऑफ वन आ जाएगा 20, नम ऑफ टू पे 30, नम ऑफ थ्री पे 40, ठीक है। तो ये वाला जो लूप का सेगमेंट है, पोर्शन है, तो ये किस लिए यूज हो रहा है, इनपुट लेने के लिए, हम एरे में इनपुट ले रहे हैं, मतलब ये चार का कंटेनर है, मतलब ये जीरो, हम कहते हैं इसका नाम जीरो है, नम जीरो है, इसका नाम नम वन है, इसका नाम नम टू है, इसका नाम नम थ्री है, 10, 20, 30, 40, हमने एक स्पेस रिजर्व कर दी है अपनी मेमोरी में, चार स्लॉट्स रिजर्व कर दिए हैं और हर स्लॉट को हमने नाम दे दिया, इसका नाम नम जीरो है, इसका नाम नम वन है, नम टू, नम थ्री, और हर एक यूनिक मेमोरी लोकेशन पे कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो गई है, जैसे 10, 20, 30, 40। तो अगर मैं कभी नम थ्री डायरेक्टली प्रिंट करवाना चाहूँ, नम ऑफ थ्री डायरेक्टली प्रिंट करवाना चाहूँ, तो इट विल डायरेक्टली एक्सेस दिस पोर्शन 40, क्योंकि 40 सेव है इसमें, जबकि ये पोर्शन क्या काम कर रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल फोर, एक्स प्लस प्लस, और हमने नीचे ये सम की इक्वेशन, ये क्या कर रहा है, सम कर रहा है, मतलब इन लोकेशंस को सम कर रहा है, 10 में 20 को ऐड कर रहा है, 20 में 30 को, 30 में 40 को, किस तरह ऐड कर रहा है, इनिशियली इनिशियली एवरेज सम एक्स को हमने किससे इनिशलाइज किया है, जीरो से, ठीक है। पहली स्टेटमेंट में हमने ये बात लिख दी है कि एक्स जीरो, ये जितनी भी वैल्यूज हैं, एवरेज सम एक्स जीरो से इनिशियलाइज है, मतलब इनकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कह रहा है एक और नई लूप चली है जो कि एक्स से लेके जीरो से स्टार्ट हो रही है और लेस देन फोर, फोर तक चल रही है, ठीक है, और इंक्रीमेंट हो रही है, जैसे यहाँ पे फोर वैल्यू आएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम ड्रॉइंग करके देखते हैं, जैसे हमने कहा, मैं कहती हूँ मैंने पहले 10 एंटर किया, फिर 10 एंटर किया, फिर 10 एंटर किया, फिर 10 एंटर किया, नम जीरो में ये वैल्यू पड़ी है, नम वन पे ये, नम टू पे ये, और नम थ्री पे ये वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो इनिशियली इस इक्वेशन को यूज करते हुए सम को मैं करती हूँ, सम इक्वल टू, ठीक है, सम प्लस नम ऑफ एक्स, ठीक है। अब इनिशियली क्या है, सम में क्या वैल्यू पड़ी है, जीरो। तो पहली दफा जब आई इक्वल एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो इस वाले पहले वाले सम में जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज हुआ है। नम ऑफ एक्स में, मतलब नम ऑफ एक्स में क्या है, जीरो आ चुका है यहाँ पे, नम ऑफ जीरो, ठीक है, नम ऑफ जीरो पे क्या पड़ा हुआ है, 10 प्लस 10,
जीरो प्लस टेन टेन हुआ, मतलब अब सम में जीरो नहीं रहा, अब सम में टेन हो चुका है। फिर लूप उसी तरह इंक्रीमेंट होगी, अब पहले यहाँ पे जीरो था, अब वन हो चुका है, मतलब अब ये वाला डिजिट एक्सेस होगा। तो टेन प्लस, क्योंकि सम में ये वैल्यू पड़ी है, नम ऑफ एक्स अब क्या हो चुका है, वन इंक्रीमेंट हो चुका है, दैट मीन्स नम ऑफ वन इज टेन, टेन दैट बिकम्स 20, राइट। अब सम में 10 नहीं है, अब सम में 20 है। तो सम वेरिएबल था इनिशियली, उसमें जीरो वैल्यू थी, फिर ऐड होके 10 आई, फिर 20 आई। अब उसके बाद क्या होगा, सम जीरो पे आया, वन आया, अब टू आ चुका है, ठीक है। तो ये टू जब आएगा तो ये एक वैल्यू एक्सेस करेगा, 20 प्लस 10 30, फिर उसके बाद 30 प्लस 10 40, तो इट मीन यहाँ पे 40 सम आना चाहिए इन सब वैल्यू से जब वो सम करेगा। जैसे ही वो 4 आ जाएगा, मतलब इस इंक्रीमेंट की वजह से x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो इट्स मीन 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, सॉरी जब 4 आएगी, 4 आएगी तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये नीचे वाली जगह पे जंप कर लेगा। सम में करंट वैल्यू क्या है, 4, 10 प्लस 10, ये इस तरह चला चला के हमने ड्राई रन किया और 40 आ गया, 40 बाय 4 1 10 10। तो इसका मतलब है एवरेज में पहले जीरो था, मतलब हमने इनिशलाइज जब किया था तो जीरो था, अब वो कह देगा 40। तो इट मीन्स अगर लेट से यूज़र जो है पहली वैल्यू क्या एंटर करता है, ये वन एंटर करता है, फिर वन, फिर वन, फिर वन, एवरेज फोर, मतलब 4/4 इक्वल टू 1। तो मैं ये बात कर रही थी x प्लस 1 क्यों लिखा गया है, यहाँ पे देखिए अगर हम सिर्फ x लिखते, अगर हम x लिखते तो इस लूप की वजह से यहाँ पे जीरो आता, मतलब एंटर नंबर जीरो आप लिख सकते हो, एंटर नंबर जीरो, एंटर नंबर वन, एंटर नंबर टू, एंटर नंबर थ्री, बट एंटर नंबर जीरो, जीरो कोई नंबर तो नहीं होता ना, लाइक जीरो नंबर। तो फॉर लुकिंग मोर सेंसिबल हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वन, आप जीरो एक्स भी सिंपली लिख सकते हो, कोई इतना मतलब बेटर नहीं कर रहा, बट टू लुक गुड हमने फिर प्लस वन इसलिए कर दिया है कि एंटर नंबर वन, मतलब पहला नंबर एंटर करें, जीरो नंबर तो कोई नहीं एंटर होता ना, तो लुक, टू लुक मोर लॉजिकल हमने उसमें प्लस वन एंटर कर दिया, राइट। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे आपने, हमने उसको इनिशलाइज किया और यूजर से इनपुट ली, सेम हम खुद से भी उसको इनिशलाइज कर सकते हैं। कैसे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हमने 5 मेमोरी लोकेशन के एक एरे ले ली, मार्क्स नाम रखा उसका, अब 20, 30, 40, 50, 60, यही तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। यूँ पैरेंथेसिस डाली, 20, 30, 40, अब कंपाइलर को पता है कि, कंपाइलर को क्या पता है कि मार्क्स का 0 पे पड़ा है 20, मार्क्स ऑफ 1 पे पड़ा है 30, मार्क्स ऑफ 2 पे पड़ा है 40, मार्क्स ऑफ 3 पे पड़ा है 50, मार्क्स ऑफ 4 पे पड़ा है 60, 5 इज नॉट इन्वॉल्व, क्यों नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि 5 वैल्यूज हो जाती है ना, 0, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यूज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो एरे जो होता है उसका इंडेक्स, दिस इज इंडेक्स जो अंदर है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ठीक है, तो इनको हम इंडेक्स कह देते हैं। तो ये इस तरह मेमोरी लोकेशन होती है, राइट। दैट्स इट, हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जांपल ट्राई रन कर लेंगे। अब एक और यहाँ पे जो अच्छी बात है वो ये है, लाइक ये जो हमने एरर पढ़ी है ये सिंगल डायमेंशन एरे है। सिंगल डायमेंशन से क्या मुराद है, आपने देखा था लास्ट मतलब लेक्चर में हमने स्टडी किया, हमने पढ़ी थी फॉर लूप, ठीक है, अकेली फॉर लूप भी पढ़ी, एक अकेली लूप थी, तो वो क्या करती थी, सिंपल रोज वाइज चल रही थी, ठीक है, फलां रो, ठीक है, मतलब आई, इन अदर वर्ड्स में कहूँ वो आई को ऑल्टरेट करी है। फिर हमने नेस्टेड फॉर करी, वो जे भी करी थी, मतलब दैट मीन्स यहाँ पे रो भी टैकल हो रहे हैं, कॉलम भी टैकल हो रहे हैं। यहाँ पे तो सिंपली क्या है कि अगर मैं मार्क्स के लिए कोई एरे बना रही हूँ, एरे फॉर मार्क्स, ठीक है, फॉर मार्क्स, तो ये इस तरह की वैल्यू है, मतलब पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू होगी, फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू होगी, अप टू 100 वैल्यूज, सही है। तो ये इस तरह का डेटा आपने कंट्रोल करी है,
तो आप अपने लोग अपने दिमाग से जरा सोचें, जैसे ये एग्जांपल है, मतलब इस तरह का हॉरिजॉन्टल टाइप का डेटा आप पर स्टोर करिए, ऐसे 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 ऐसे, या वर्टिकल भी कहें, मतलब इस तरह अगर मैं कह देती हूँ तो कि वर्टिकल टाइप का, तो लेट अस कंसीडर अगर हमें कुछ टेबल टाइप की वैल्यूज हम स्टोर करवानी होती हैं, टेबल टाइप, ठीक है, मतलब जिसमें आई भी हो जे, अगर मैं कहूँ आई की वैल्यू ज़ीरो हो, आई की वैल्यू ज़ीरो हो और जे की वैल्यू वन हो, तब ज़ीरो वन लोकेशन है कोई, ठीक है, जैसे मैं 1 2 3 4 अगर कह दूँ, यहाँ पे इसका नाम देती हूँ 1 2 3 4 5, और अगर मैं कहूँ 2 3 2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, मुझे ये मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो वो उस पर मतलब कुछ और, मतलब जैसे हमने फॉर लूप पढ़ी, तो हमने उसको टेबल की शक्ल में, मतलब आई जे की फॉर्म में शो करने के लिए आउटर इंटरेस्टेड फॉर स्टडी की, तो इट्स मीन देयर वाज अ क्वेश्चन इन आई माइंड जो कि अभी आ रहा है, ओके इस एक ही तरह का डेटा अगर हमें शेयर करना है, ओके जैसे मार्क्स है, एक स्टूडेंट के मार्क्स है, तो ठीक है ये मेरा सोल्यूशन बेस्ट है, वट इफ़ कि मैंने मल्टीपल टेबुलर टाइप का, मतलब इस तरह का डेटा अगर आपके पास सेव करना है, तो दैट मीन्स इस सिंगल स्ट्रैटेजी के थ्रू ये अचीव नहीं हो सकता, तो हमने कुछ और सोचना है, इसकी कुछ अपडेशन है, मतलब इसकी कुछ शॉर्टकमिंग तो नहीं कह सकते, हर तरह के सर्किट चांसेस के लिए हर तरह का सोल्यूशन होता है, तो इस तरह का जब टेबुलर टाइप का डेटा हो, मतलब जहाँ पे आए और जे रो और कॉलम्स इन्वॉल्व हो जाए, तो उसके लिए कुछ और डायमेंशन का, लाइक ये वाला सिंगल डायमेंशन का डेटा है, सिंगल डायमेंशन, राइट, वन डायमेंशन, वन डी, ठीक है, वन डी, वन डी एरे, वन डायमेंशन एरे, तो जब मल्टीपल रोज, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही रो हो रही है ना, जब मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स होंगे, मतलब आई जे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम उसको कह देते हैं 2D एरे, तो वो इस तरह कुछ दिखना चाहिए, मतलब मार्क्स अगर मैं कहूँ आई और जे, ठीक है, वो अभी हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करते, अभी ये क्या सिंगल सिंगल डायमेंशन एरे, तो जब कॉलम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे रो कॉलम वाली बात, तो मल्टी डायमेंशन एरेज हो जाएंगे, और वो हम इन फ्यूचर आगे के लेक्चर्स में हम वो इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, फिलहाल के लिए ये इतना ही काफ़ी है, दैट्स इट फॉर टुडे, ना लेक्चर कंक्लूड कर लेते हैं।